हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। ये देखिए, मैंने एक स्टॉल बनाया है। इतना प्यारा डिज़ाइन है इसका, और इसमें मैंने झालर भी लगाया है। अभी ये कंप्लीट हो गया है। इसकी डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आज हम लोग ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। मैंने स्टॉल बनाया है, आप चाहें इसका शॉल भी बना सकती हैं, और इसकी आप कोटी भी बना सकती हैं, कुछ भी। तो चलिए फिर इस डिज़ाइन को हम लोग सीख लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा दूसरा रंग भी लगा दिया है, देखिए ये यहाँ लगा दिया है और लास्ट में भी लगा दिया है ये देखिए, देख रही हैं इतना अच्छा लग रहा है। चलिए फिर इसको बनाते हैं हम लोग। आपको डिज़ाइन मैं बताती हूँ, आप भी बनाइए। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए चार चार चेन के मल्टीपल में हमें चेन बनाना है। तो 2 3 4, यानी चार चेन जब हम बनाएंगे तो हमारी ये देखिए एक डिज़ाइन इतनी सी बनेगी। तो ऐसे ऐसे हमें जितना भी चौड़ा बनाना हो, जितनी बड़ी चीज़ हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से हम चेन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 24 चेन बना ली है। 24 चेन बनाने के बाद अब हम 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया का काम करता है। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारे 24वां चेन है, इसमें हम एक क्रोशिया हुक डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने, अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में फिर से जहाँ पे हमने ये देखिए, जहाँ पे हमने ये जिस चेन में बनाया है डबल क्रोशिया, उसी में फिर बनाएंगे, तो हमारा ऐसे बन जाएगा। अब हम चेन नहीं बनाएंगे, ऐसे लेके उनको क्रोशिए में, और 3 चेन छोड़ेंगे नीचे, 1 2 3। 3 छोड़ के चौथी चेन में हुक डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इतना बन गया। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लिया, और जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है इसी में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब चेन नहीं बनाएंगे ये ऊपर वाला, नीचे से 1 2 3, 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इसी में जो हमने ये बनाया है इसी में एक डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, चौथे में एक डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाया, और इसी में एक डबल क्रोशिया, और फिर चेन नहीं बनाएंगे, नीचे के चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से रिपीट करते करते हम पूरी लाइन बना लेंगे, ऐसे बन के आएगा। देखिए लाइन कंप्लीट हो गई पूरी, ऐसे हम बना लेंगे पूरी लाइन। अब दूसरी लाइन, मतलब इसके बाद वाली लाइन, एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद अब हम इसमें ये जो हमने 3 वाला ये बनाया है इस होल में, ये देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको ऐसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ऊन को, और यहाँ पे ऐसे उंगली रख लीजिए, इसको दबा लीजिए, फिर इसमें से निकालिए
हुक से, और ये ऊन लेके इसको ऐसे टाइट कर लीजिए यहाँ पे, और इसको ऊन को खींच दीजिए ऐसे, फिर ऐसे टाइट करिए और उनको ऐसे खींच दीजिए। ऐसे ऐसे हमें इसमें से इसमें 6 बनाने हैं। ये देखिए 4 बन गया, 5 और ये 6 बन गए, 2 4 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अगला वाला ये है होल, इसमें हम ये देखिए ऐसे उठा लिए, इसको पकड़े रहिएगा और ऐसे करके इसको ये टाइट कर दीजिए। अब ये निकाल दीजिए, आप इसमें हुक डाल दीजिए और इसमें छह सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। 3 हो गया, 4 5 और 6। छः हो गया। अब फिर अगला आ गया होल, इसमें वही करेंगे जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, इसको करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको इतना करेंगे जितना इधर किया हमने, उतना ही खींचेंगे ऐसे, फिर उंगली से इसको दबा के इसमें से ये टाइट करिए इसको पहले, फिर ऐसे 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 6 बना लेंगे। 3 4 5 और ये 6 बन गए। 6 बनने के बाद इसको ऐसे पकड़े रहिए और इसमें 1 बना लीजिए। अब निकाल दीजिए हुक, फिर इसमें 6 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 और 6। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे बना के उनको ऐसे खींचिए, क्रोशिया डालिए, इसको ऐसे करके टाइट करिए और खींच लीजिए, फिर टाइट करिए खींच लीजिए। ऐसे ऐसे हमें 6 बनाने हैं, 4 5 और 6। अगला आ गया, इसमें अब इसके बाद वाली लाइन देखिए। अब हम यहाँ बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6 चेन। 6 चेन बनाने के बाद ये जो हमने बनाया है 6 वाला, देखिए 1 लेंगे और इसमें से लेके इसको सिंगल क्रोशिया ऐसे कर देंगे, फिर ये दूसरा लेंगे, देखिए दूसरा लेने के बाद ऐसे, फिर तीसरा लेंगे, ये ऐसे बन गया ये। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए 6 का लिया था हमने, ये 6 लिए थे, इसमें से 3 हमने बुन लिया। इसके बाद अब 3 चेन बनाएंगे। अब ये चौथा वाला लेंगे, 1 बन गया, ये दूसरा बन गया, और अब ये तीसरा। ये हमारे देखिए 6 के 6 बन गए अलग अलग। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अब हम इसको ये लिया हमने बनाने के बाद, अब इस वाले का 1 लेंगे और इन दोनों इसको लेके ऐसे देखिए, फिर अगला वाला लेंगे,
फिर तीसरा लेंगे, तीन बनाने के बाद, तीन जोड़ने के बाद अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन चेन, तीन चेन बना के फिर इन तीनों को जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए सीधा कर लीजिएगा, मुड़ जाएगा। फिर वैसे रिपीट करना है हमको बार बार, इसमें कुछ नहीं। अगला लीजिए, ये दो और तीन, फिर तीन चेन बनाएंगे, ये देखिए बन गई बेस लाइन हमारी, बन गई। अब एक चेन बनाएंगे ऐसे और इसको से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब देखिए हमको यहाँ तक पहुँचना है, इस होल तक पहुँचना है, तो इसके लिए हम स्लिप स्टिच के जरिए से, या तो आप सिंगल क्रोशिए की सहायता से यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे ऐसे। आ गए होल में, ठीक, ये हमारा यहाँ तक हम आ गए। अब फिर वही रिपीट करेंगे ऐसे, तीन चार पांच और छः, ये छः बन गया इसके अंदर। अब ये वाली जो हमारी, इसमें हमें सब में सिंगल क्रोशिया, इसको ऐसे पकड़े रहिए, और हमने यहाँ पे छः यानी जितनी भी हमारी चेन है सब में एक एक ऐसे बनाना। ये बनाया, अगले में डालिए हुक ऐसे, छह सिंगल क्रोशिया बनानी, दो बन गए, तीन चार पांच और ये छह, ये देखिए जो हमने तीन चेन लिया इसमें हम ये छह वाला बनाएंगे, और ये जो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हमारा ये आ गया होल, तो अब इसमें हम पहले तो एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, इसके बाद अब ये छह बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच और ये छः। फिर अब ये वाला पोर्शन आ गया, इसमें हम छः चेन में छः सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में जब हम आएंगे तो हमारे पास तीन ही ये रहेंगे, तो तीन हमने सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब क्या करेंगे हम, तीन ने एक इसमें बना लेंगे जो हमने चेन बनाई थी, फिर छः चेन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बनाने के बाद इसमें ऐसे जोड़ देंगे। देखिए डिज़ाइन बन गई इस तरह से, जैसे इसमें बनी है स्टॉल में, तो आप लोग भी ट्राई करिए, इसको बनाइए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। इसका जो मैंने इसमें झालर लगाया है, ये मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगी कि ये झालर कैसे बनेगा, स्टॉल के वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में ये बताऊंगी आपको कि झालर हम कैसे बनाएंगे इसका किनारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।